हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, पहले तो बता दूँ, बिल्कुल मेरा आरआरबी पीओ क्लियर हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने दिया था और मैं ये आपके संग शेयर इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग मोटिवेट हो सके। ठीक है, आप लोगों के संग कुछ बातें जो मुझे डिस्कस करनी है कि किस तरीके से मैंने क्लियर करा और माई रिसोर्सेस। ठीक है ना, देखो ये पार्ट वन है, सब चीज़ें मैं आपके संग डिटेल में शेयर करूंगा। आपको पता है मैं क्वांट प्लस रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ा रही है क्या वो खुद से एग्जाम क्लियर कर पाई है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, सब चीज़ें आपको बताऊंगा। और एक ये पार्ट वन है, एपिसोड वन मान लो, सब चीज़ें कि किस तरीके से आपको कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं टाइमली। सबसे पहले मैं बता दूँ हाउ, किस तरीके से मैंने क्लियर करा। मेन रीज़न जो मेरी सक्सेस में जिसने प्ले करा है, मेन रीजन जिसने सक्सेस ने प्ले करा, और मैं आपको बता दूं बहुत जल्द मैं लाइव करूंगा। ठीक है, इसी हफ्ते मैं आपके संग लाइव आऊंगा, तो उधर मैं आपके संग लाइव डाउट्स जो भी हैं आपके डिस्कस करूंगा, लाइव डाउट्स। और इस वीडियो में जो आप लोगों के डाउट्स है वो आप कमेंट करोगे, जिस डाउट पे मैक्सिमम कमेंट होंगे वो मैं डाउट आप लोगों के संग डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो मेन रीजन जिस सक्सेस ने प्ले करा है वो है मेरे मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। ठीक है, देखो तो प्री की बात करूं, बिल्कुल मैंने भी मॉक टेस्ट दिए, ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट नहीं दिए। मेंस की बात करूं, प्री में आप ये मान लो लगभग, अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने दिए 3 to 4 मॉक्स पर वीक। ठीक है, पर वीक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आता गया फिर मैंने इसे कर दिए 5 मॉक्स पर वीक। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने मॉक दिए। और जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए आपको, पता है यहाँ पे जो पैटर्न मिलता है पैटर्न बहुत हाई मिलता है। ठीक है, वो रिसोर्सेज में सब चीजें बताऊंगा। मेंस में मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग में जो मैंने दिए थे 2 मॉक्स पर वीक दिए थे प्री के तुरंत बाद, और जब एग्जाम जैसे प्री का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद मैं कम से कम 1 मॉक रोज देता था, डेली डेली मेंस का मॉक देता था। ठीक है ना, तो एक तो ये बात रही कि किस तरीके से मैंने क्लियर करा। जो मॉक टेस्ट है वो ही एक मेन रीजन है जो कि आपकी सक्सेस में प्ले करेगा। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स प्री के तो मॉक देते हैं और मेंस के नहीं देते, क्योंकि लेंथी मॉक होता है ना। तो मैं आपसे कहूंगा ये गलती आप मत करिएगा। माई रिसोर्सेस, तो दीज आर माई रिसोर्सेस। देखिए, सबसे पहले मैंने इसे फॉलो करा, मैंने जो मॉक टेस्ट दिए, जितने भी दिए टेस्ट जोन से दिए, जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए, होता क्या है इन लोगों का लेवल हाई होता है, आपको पता ही है भाई, लेवल इनका हाई होता है। और एग्जाम में मैं नहीं समझता अगर आपने इनकी कंप्लीट मॉक सीरीज कंप्लीट करी है, उसके बाद एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, और मॉक ड्रिल करंट अफेयर्स के लिए, हालांकि करंट अफेयर्स मेरे अच्छे नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो है क्वांट एंड रीजनिंग। ठीक है, पहले आपको पता है क्वांट एंड रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, बट और जितने भी मैंने लास्ट 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स करे थे वो मैंने मॉक ड्रिल को फॉलो करा था, और जितने भी रिसोर्सेज जिस तरीके से मैंने तैयारी करी थी वो सब चीजें बताऊंगा। और देखो तो मेन रीजन क्या है टेस्ट जोन को चूज करने का, एक तो यहाँ पे अनलिमिटेड रीटेक अटेम्प्ट्स है। ठीक है ना, अनलिमिटेड रीटेक अटेम्प्ट्स है, और जो इसमें एनालिटिक्स मिलती है और स्मार्ट सॉल्यूशंस मिलते हैं वो दी बेस्ट है। आपको यकीन नहीं हो तो एक फ्री मॉक होता है हर एग्जाम का फ्री मॉक होता है, उसे देखे देखो। ठीक है, यू विल गेट टू नो द क्वालिटी। वीडियो अगर कुछ हेल्पफुल रही हो देन डू लेट मी नो। और एक बात और है, अगर आपको कोई डाउट होगा ना तो आप उसे कमेंट करोगे, और जिस डाउट पे मैक्सिमम कमेंट आएंगे तो जो हम लाइव करेंगे तो हम उसे डिस्कस करेंगे। फिर जब हम लाइव करेंगे उसे हम डिस्कस करेंगे, और बताइएगा आपको कैसा लगा। और कोई भी आपका डाउट हो, जो स्ट्रेटेजी डिटेल में आप जानना चाह रहे हैं, कुछ भी पॉइंट है आपको, कोई कंफ्यूजन है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज पार्ट वन, पार्ट टू लाएंगे जिसमें सब चीजें मैं आपके संग शेयर करूंगा। ठीक है, सो बी मोटिवेटेड, फॉलो ऑल द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड टू यू बाय दिस चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।